पुलिस अधीक्षक श्योपुर आलोक कुमार ने श्योपुर शहरवासियों के गुम हुए मोबाइल वापस प्राप्त कर लोगों को वितरित किए। बता दें कि जिन लोगों के मोबाइल गुम हो गए थे उन लोगों ने साइबर सेल श्योपुर में मोबाइल खोने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक अर्चना धाकड़ और उनकी टीम को गुम हुए मोबाइलों में से 26 मोबाइल कीमत लगभग 3,50,000 रुपये के बरामद करने में सफलता हासिल की है। आज पुलिस अधीक्षक जिला श्योपुर आलोक कुमार सिंह द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम श्योपुर में लोगों को वापस किए गए अपने मोबाइल पाकर लोग खुश नजर आए। पुलिस अधीक्षक श्योपुर को धन्यवाद ज्ञापित किया। साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक अर्चना धाकड़ और साइबर सेल टीम द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों और राजस्थान राज्य से लोकल पुलिस की मदद से और लोगों से संपर्क कर लोगों के गुम हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक श्योपुर ने साइबर टीम और इस कार्य में लगे अन्य पुलिस कर्मियों की इस काम के लिए सराहना की है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। पिछले 3 महीने में श्योपुर जिले से लगभग 40 मोबाइल घूमने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिस पर से तत्काल साइबर पुलिस जिला श्योपुर कार्रवाई करते हुए अभी तक 26 मोबाइल जब्त किया है और यहाँ पर जितने शिकायतकर्ता थे जिनकी मोबाइल गुम हो गई थी सबको यहाँ आपके सामने हैंडओवर किया गया है। कुछ मोबाइल और रह गए हैं 10-12, वो और ढूंढ के सपोर्ट कर दिया जाएगा। ये लगभग 3 से 3.5 लाख रुपये कीमत की मोबाइल जब्त की।